अब आपको बताते हैं प्रेम कहानी का प्रेत जाल कैसे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रेम कहानी का प्रेत जाल जिसकी जिक्र अब हम आने वाली रिपोर्ट्स में करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में 2019 के यूरोप टूर का जिक्र शुरू हो गया है। सुशांत के नौकर और दोस्तों के मुताबिक उस यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत बहुत बदल गए थे। सबसे हंसी मजाक करने वाला शख्स चुपचाप रहने लगा था। ये सवाल सबके दिमाग में था कि आखिर उस यूरोप टूर में ऐसा क्या हुआ था। अब इसका जवाब दिया है रिया चक्रवर्ती ने। 10 अगस्त को जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती से उस यूरोप टूर के खर्चे के बारे में सवाल पूछे तो रिया ने रोते हुए उस यात्रा से जुड़ी कई बातें बताई, जिसमें एक बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। रिया के मुताबिक इटली में सुशांत ने एक ऐसी पेंटिंग देख ली जिसके बाद सुशांत की हालत बिगड़ती चली गई। ये अक्टूबर 2019 की सुशांत और रिया की यूरोप टूर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। सुशांत के चेहरे पर वही मुस्कान है जिसके लिए वो दोस्तों के बीच जाने जाते थे। लेकिन इसी यूरोप टूर में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमेशा हंसते खेलते रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत अचानक बदल गए। इस बात का जिक्र सुशांत के नौकरों ने भी किया था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उस टूर में हुआ क्या था। 10 अगस्त को रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची थी, जहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर से जुड़ी हुई जानकारी रिया से मांगी। ईडी के अधिकारी जानना चाहते थे कि इस यूरोप टूर के दौरान हुए खर्च और उसका स्रोत क्या था। बात आगे बढ़ी तो देखते ही देखते रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत से जुड़ी हुई कई ऐसी अहम जानकारियां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से साझा की, जिसे सुनते ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के होश तक उड़ गए। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक अक्टूबर 2019 को रिया और सुशांत यूरोप घूमने गए थे। यूरोप के इस ट्रिप पर रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती भी रिया सुशांत के साथ था। रिया के मुताबिक इन तीनों ने इटली के फ्लोरेंस शहर में रुकने के लिए एक हेरिटेज होटल बुक कराया जो 600 साल पुराना था। होटल में रिया और शौविक एक कमरे में थे, जबकि सुशांत का कमरा दोनों से अलग था। ईडी से पूछताछ के दौरान रिया ने बताया कि वो और उनका भाई किसी काम से 2 घंटे के लिए बाहर गए। लौटने के बाद ये सुशांत से बात करने उनके कमरे में गए। रिया के मुताबिक कमरे के अंदर का हाल देखकर वो चौंक पड़ी थी। रिया ने बताया कि सुशांत कमरे के कोने में बैठे थे। सुशांत बेहद डरे और घबराए हुए दिख रहे थे। सुशांत का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कोने में बैठकर रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। अगर रिया चक्रवर्ती की बात सच है तो फिर आखिर सुशांत को हुआ क्या था? इटली में फ्लोरेंस शहर में होटल के कमरे में सुशांत सिंह राजपूत इतने डरे हुए क्यों थे? इस सवाल का जवाब भी रिया चक्रवर्ती ने ईडी को दिया, जिसके मुताबिक होटल के जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत ठहरे हुए थे उसमें एक पेंटिंग लगी हुई थी और सुशांत का वो हाल उस पेंटिंग की वजह से था। यही है वो स्पेनिश पेंटिंग रिया के मुताबिक जो उस वक्त सुशांत के कमरे में लगी थी, जिसे देखकर सुशांत सिंह डर से कांप रहे थे। रिया ने ईडी को जो बयान दिया उसके मुताबिक सुशांत को डरी हुई हालत में देखकर रिया और उनके भाई शौविक घबरा गए। रिया ने सुशांत से पूछा कि वो इतने डरे हुए क्यों हैं। फिर सुशांत ने पेंटिंग की तरफ इशारा किया। रिया के मुताबिक सुशांत ने कहा कि उस पेंटिंग में भूत है और वो भूत उन्हें खा जाएगा। सुशांत ने जिस पेंटिंग का जिक्र किया था वो एक मशहूर स्पेनिश पेंटिंग है जिसका नाम है सैटर्न डिवोरिंग हिज सन।
इसे स्पेन के मशहूर चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। इस पेंटिंग की थीम एक ग्रीक पौराणिक कथा है, लेकिन इस पेंटिंग की पेंच ने सुशांत के केस को उलझा कर रख दिया है। रिया के मुताबिक इस घटना के बाद सुशांत सिंह राजपूत का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। इस घटना के बाद रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत ऑस्ट्रिया पहुंचे। वहां उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन का 4 दिन का कोर्स भी किया, लेकिन सुशांत मुंबई आने की जिद पर अड़े हुए थे और यही वजह थी कि 2 नवंबर 2019 को खत्म होने वाला ये टूर 28 अक्टूबर 2019 को ही खत्म करके रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई लौट आए। सुशांत उस समय मुंबई के बांद्रा वाले घर में रहते थे। रिया के मुताबिक अब सुशांत बदल चुके थे और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सुशांत के कमरे से रोने और चीखने की आवाजें भी आती थी। इन घटनाओं के बाद रिया ने सुशांत को मानसिक चिकित्सक से दिखाने का फैसला किया। रिया के मुताबिक सुशांत को दिखाने के लिए कई डॉक्टर बदले गए। मई 2020 तक सुशांत बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। सुशांत और रिया में झगड़ा होना शुरू हो गया। 8 जून की रात रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ। रिया ने कहा कि सुशांत ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा। रिया ने सुशांत से कहा कि वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सुशांत ने कहा हमें कुछ दिन के लिए अलग रहना चाहिए। इसके बाद रिया सुशांत को छोड़कर चली गई और रिया के ही मुताबिक 8 जून से लेकर 14 जून के बीच दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। सुशांत ने शौविक को मैसेज करके रिया का हालचाल पूछा था। इसके बाद 14 जून को सीधे सुशांत की मौत की खबर आई। सुशांत सिंह की मानसिक हालत से जुड़े बयानों से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो है सुशांत सिंह का परिवार, उनके पिता, उनकी बहनें। आज पहली बार सुशांत के पूरे परिवार ने इन सब मामलों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सारे सवालों का जवाब देते हुए सुशांत के परिवार ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी किसी एक के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो सुशांत की मानसिक हालत पर टिप्पणी कर रहे हैं, सुशांत और उनके पिता के बीच खराब रिश्तों की बात कर रहे हैं। आप भी देखिए क्या लिखा है सुशांत के पिता और उनकी बहनों ने। सुशांत की मौत का राज अभी भी कई तहखानों में बंद है। मुंबई पुलिस कुछ और बोल रही है, बिहार पुलिस की अपनी दलीलें हैं, ईडी और सीबीआई मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत की अपनी अलग ही जुबान है। लेकिन इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वो पिता जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया, वो 4 बहनें जिनका इकलौता और सबसे छोटा लाडला भाई इस दुनिया से चला गया, सुशांत की मौत से आहत इस परिवार को दुख के साथ कई बातें भी सहनी पड़ रही हैं। लेकिन सुशांत के परिवार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई रिया चक्रवर्ती की बातों ने। रिया के बयान लगातार सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रोगी बनाने पर तुले हैं, लेकिन सुशांत के पिता के साथ बहनों ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सुशांत को बार बार मानसिक तौर पर बीमार कहने को लेकर पहली बार परिवार का दर्द छलका तो परिवार ने मिलकर जवाब दिया है। सुशांत के परिवार ने एक खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है, सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं, उनकी लापरवाही से सुशांत मरा। इतने से मन नहीं भरा तो उसकी मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो फैशन परेड में जुट गए। सुशांत के परिवार ने यह चिट्ठी किसी एक खास को नहीं लिखी है बल्कि यह चिट्ठी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। दरअसल यह चिट्ठी परिवार का जवाब माना जा रहा है जिसमें
यह दुखी परिवार पिछले कई दिनों से कुछ नहीं बोल रहा था और उनके जवाब का इंतजार था। सुशांत की मौत के मामले में सियासत भी गर्माती जा रही है। सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार में भी तलवारें तनी हैं। इस बीच सुशांत के पिता के सिंह को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया। शिवसेना के संजय राउत ने सुशांत के पिता की दूसरी शादी के बारे में कहते हुए कहा था कि सुशांत और उनके पिता में इसको लेकर संबंध तनावपूर्ण था। सुशांत के परिवार ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया, उसमें लिखा गया है, सुशांत के परिवार जिसमें चार बहनें और एक बूढ़ा बाप है को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। अब सुशांत के पिता के वकील लगातार इस बात पर अड़े हैं कि शिवसेना के संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। और इनका जो बोलना इतना ही गलत है, क्योंकि परिवार ने सारा दिखाया कि शिव उसके सुशांत और उसके पिता में बहुत अच्छा संबंध था। इनफैक्ट मई में तो वो गया है, 19 में रिया के जिंदगी उसके ज़िंदगी में आने के बाद पटना गया है, पिता को लेके गांव गया है, बाल अपना मुड़वाया है। तो इसलिए फिर बाद में रिया ने उसने बात नहीं करने दी, तो फिर उनका आपको दिखा होगा उन्होंने मैसेज वगैरह भी किया रिया को कि भाई मेरे से बात कराओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। तो इसलिए ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इनको आप इसका माफी मांगनी चाहिए इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट देने की। लेकिन शिवसेना के संजय राउत ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। संजय ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ, जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो दो शादी वाले पे आक्षेप, आप बार बार वो बात मत करिए। हाँ। आप क्या करना चाहते हैं उसी आधार पे नोटिस बोल रहे हैं। देखिए वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ। वो आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की बदनाम करने की साजिश है। आज ईडी और सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मौत के राज को जानने के लिए छानबीन करने में जुटे हैं। कई बड़े नाम भी उभर कर सामने आ रहे हैं, नेपोटिज्म से लेकर कई बॉलीवुड की हस्तियों को इस केस से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बात का जिक्र सुशांत के परिवार वालों ने चिट्ठी में भी किया है। परिवार ने लिखा है कि परिवार का बांध तब टूटा जब महीना बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। आज परिवार के साथ पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है। यह हत्या थी या आत्महत्या? हत्या हुई तो किसने की? अगर सुशांत ने खुद जान दी तो ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? सच तो एक ही है, लेकिन मौजूदा हालात में यही लगता है कि इस सच को सामने आने में अभी लंबा वक्त लगेगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से, जिसमें फंदे पर लटके सुशांत की डेड बॉडी के बारे में जानकारी दी गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुशांत के पैर बेड से लगे हुए थे या नहीं, इसके बारे में केवल सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को ही जानकारी है। जब सिद्धार्थ पिठानी ने मीतू सिंह को फोन किया और सुशांत की फांसी के बारे में बताया तो मीतू ने यह बात अपने जीजा ओपी सिंह को फोन कर बताई थी। ओपी सिंह फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और उन्होंने ही सुशांत की बॉडी उतारकर उनकी सांसों की जांच करने के लिए कहा था। जब सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत की बॉडी उतार ली, उसके 10 मिनट बाद मीतू वहां पहुंची थी और उसके कुछ देर बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि ऐसे हालात में परिवार का जांच पर सवाल उठाना गलत है। सुशांत की मौत का सच जानने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी दो एजेंसियां जुटी हैं, वहीं महाराष्ट्र और बिहार राज्य की पुलिस भी तथ्यों को खंगाल रही है। अब जांच की सारी सुइयां रिया के मोबाइल फोन तक सिमट कर रह गई हैं। जांच का हर सिरा
इसी तरफ इशारा करता है कि रिया के फोन में कई राज दफन है। सुशांत के पिता के साथ व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल लॉग और दूसरे संदिग्ध लोगों से मैसेज, इन सब मामलों को लेकर रिया के मोबाइल फोन अब सबसे अहम सबूत बनता जा रहा है। रिया के मोबाइल में सुशांत केस के राज, एक बच्चे को मार दिया, इसके नीचे लेवल क्या जाएगा? रिया को भेजे मैसेज से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। सुशांत की मौत का मोबाइल कनेक्शन, मुंबई पुलिस की तफ्तीश, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच, बिहार पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, सीबीआई की जांच शुरू करने की तैयारी, और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने पर उठाए जा रहे सवाल। सुशांत की मौत का सच अब तक सामने नहीं आया। कानूनी दांवपेच इतने जटिल होते जा रहे हैं कि ये केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। कौन किसके क्षेत्राधिकार का हनन कर रहा है, कौन ईमानदारी से तफ्तीश को सही दिशा में लेकर जा रहा है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। और सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है, ये अब तक राज बना हुआ है। लेकिन रिया का मोबाइल फोन इस राज से पर्दा उठा सकता है। रिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझा सकती है। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए ये व्हाट्सएप चैट जो सुशांत के पिता ने जारी किया। 29 नवंबर 2019 के इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत के पिता रिया से सुशांत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसीलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। जी हाँ, रिया ने ये जानते हुए कि सुशांत के पिता परेशान हैं, उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद के सिंह बेचैन हो गए और उन्होंने रिया की मैनेजर श्रुति को व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ्लाइट की टिकट भेज दो। श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता का मैसेज पढ़ा जरूर लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रिया और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी सुशांत के पिता से बात क्यों नहीं करना चाहती थी? सुशांत ने अपने पिता से किस परेशानी का जिक्र किया था? क्या सुशांत रिया की वजह से परेशान थे? रिया और श्रुति सुशांत के पिता को क्या उनके पास नहीं आने देना चाहती थी? सुशांत के पिता के सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने सुशांत को परिवार से अलग किया, रिया ने पिता को सुशांत से बात करने से रोका, पिता को बेटे से बात नहीं करने दी, रिया ने सुशांत को बहनों से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से दूर किया था या नहीं, इसका सच पूरी तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल रिया इस केस में घिरती नजर आ रही हैं। उनके मोबाइल और लैपटॉप से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़े कई अहम राज छिपे होने की आशंका जताई गई है। तो शायद यही वजह है कि सोमवार को 9 घंटे चली पूछताछ के बाद जब रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकली तो उनका चेहरा बुझा बुझा था। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से हुई पूछताछ में विरोधाभास होने के बाद
ईडी ने रिया के दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिया के भाई शोविक का एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। रिया के पिता इंद्रजीत का मोबाइल फोन भी ईडी ने ले लिया। इसके अलावा सभी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए। ईडी रिया समेत बाकी लोगों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवाएगी। सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पड़ताल होगी। कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी। यही नहीं, फोन डंप एनालिसिस के जरिए डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब तक प्रवर्तन निदेशालय को रिया के मोबाइल फोन से कुछ बातें पता भी चली हैं। मसलन 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने दो नामी फिल्म डायरेक्टर से मदद मांगी थी। इनमें से एक डायरेक्टर से फोन कर रिया ने किसी नामी पत्रकार का नंबर भी मांगा था। रिया उस पत्रकार के जरिए एक लेख छपवाना चाहती थी। हालांकि रिया पत्रकार के जरिए कौन सा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? क्या रिया सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? इसका पता तो अब तक नहीं लग पाया। लेकिन रिया का आर्टिकल सामने आने से पहले ही सुशांत की मौत हो गई, जिसके बारे में मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। सुशांत के कपड़े पर मिला सफेद दाग उनके मुंह से निकले झाग की वजह से था। सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया था और पेट बिल्कुल खाली था। सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या हाथापाई के निशान नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े एक्टर थे कि देश जानना चाहता और मीडिया वही दिखाता है जो देश की जनता सुनना चाहती है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कलाकार किस तरह से उसकी हत्या हो गई, ये देश को जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मीडिया को ब्लेम करना ये सही नहीं। मुंबई पुलिस के दावों पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सुशांत के परिवार वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन कल तक सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया चक्रवर्ती को अब मुंबई पुलिस से ही उम्मीद है। ऐसे में सुशांत केस से जुड़ा सच कब सामने आएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इधर बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल होने के बाद भड़की हिंसा और आगजनी में 3 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि कांग्रेस विधायक के एक रिश्तेदार की भड़काऊ पोस्ट पर यह हिंसा भड़की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। इससे पहले गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर को भी निशाने पर लिया और पुलिस थाने पर भी धावा बोला। भीड़ के हमले में 60 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 145 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 नेताओं को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बीजेपी ने SDPI पर बैन लगाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के बाद भड़की हिंसा में पूरा बेंगलुरु शहर उबल पड़ा है, जिसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। बताया गया कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक के एक रिश्तेदार की पोस्ट, जो कि भड़काऊ पोस्ट थी, उसके बाद हिंसा भड़की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर जमकर आगजनी की। यही नहीं, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला। बताया गया कि भीड़ के हमले में करीब 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी कांग्रेस MLA के रिश्तेदार को गिरफ्तार करने का दावा किया है और हिंसा के आरोप में 145 लोगों को गिरफ्तार किया। और इधर न्यूज 18 के पास बेंगलुरु में भड़की हिंसा की पूरी CCTV फुटेज मौजूद है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक दिन पहले रात 8:30 के करीब कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर हिंसक भीड़ जमा हुई। रात 9:00 के करीब ये भीड़ कांग्रेस विधायक के घर के अंदर दाखिल हो गई और 9:30 तक भीड़ ने विधायक के घर पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, और इसके बाद रात करीब 10:00 भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोला। भीड़ ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास के घर पर जमकर तोड़फोड़ की है और वहां रखे सामान को आग लगा दी है। कांग्रेस विधायक ने राज्य के CM और गृह मंत्री को अपने घर पर हुए हमले की जानकारी दी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कल रात हमारा घर में कौन की बायर वाला आदमी आको फोन कर तो मालूम नहीं, वो आदमी जरा आदमी जरा 3,000 का ऊपर आदमी आको जरा पेट्रोल बम पेट्रोल टायर्स और लांग वो सभी ले को घर में आग रखो है, उसको फोन करको है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका ऊपर एक्शन लेने दे, कौन कौन की रन दे उसका ऊपर एक्शन लेना
और कौन भी नहीं करना ऐसा, एक एमएलए को करे तो, फिर एमएलए को करे तो दूसरा को क्या कर सकता है, करको मैं रिक्वेस्ट कर रहा है। बेंगलुरु में एक दिन पहले भड़की हिंसा का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें गुस्साई भीड़ शहर में तोड़फोड़ करती दिखाई दी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी हुई जो जानकारी है। बेंगलुरु में एक दिन पहले भी भड़की थी हिंसा और इसका ही वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, 11 अगस्त की ये तस्वीरें। पोस्ट पर हिंसा भड़की है और जिसके बाद काफी हो हंगामा हुआ है, आगजनी की नौबत आई है। वीडियो में आप देखिए कैसे गुस्साई भीड़ शहर में तोड़फोड़ करती दिख रही है। बेंगलुरु में भड़की हिंसा के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। वीडियो में कुछ लोग मंदिर के सामने ह्यूमन चेन बनाकर उसे हिंसक भीड़ के निशाने पर आने से रोकने की कोशिश करते नजर आए। बताया गया कि बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ पुलिस स्टेशन और कांग्रेस विधायक के घर पर तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया। तो सौहार्द की ये तस्वीरें भी सामने आई ऐसे वक्त में जब बेंगलुरु में हिंसा की आग भड़क उठी थी, और इस बीच ये तस्वीरें खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो में कुछ लोग मंदिर के सामने ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला बनाकर उसे हिंसक भीड़ के निशाने पर आने से रोकने की कोशिश करते नजर आए हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए भीड़ पुलिस स्टेशन और कांग्रेस विधायक के घर पर तोड़फोड़ के लिए पहुंची और इसी दौरान मंदिर की ओर ह्यूमन चेन बना ली गई इन लोगों के द्वारा, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को मंदिर के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की गई। बेंगलुरु में हिंसा भड़काने और पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में पुलिस ने SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दो नेताओं को गिरफ्तार करने का दावा किया है, और इन दोनों पर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई भीड़ को उकसाने का आरोप है। तो SDPI पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। हालांकि बेंगलुरु में जो हिंसा हुई है पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में, पुलिस ने इसी संगठन यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दो नेताओं को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन दोनों पर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई भीड़ को उकसाने का आरोप है। इधर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के घर पर आगजनी के बावजूद कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर सवाल उठाए, जिस पर पलटवार करने में कांग्रेस ने देर नहीं लगाई और बेंगलुरु में हुई हिंसा के लिए राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। पूरी घटना को आप देखते हैं, दो थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कल हिंसा हुई। देखिए, जो लोग भीम और मीम की राजनीति की बात करते हैं, इस गठजोड़ की बात करते हैं, वो सब लोग इस वक्त चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस विधायक के घर पे हिंसा हुई वो दलित समुदाय से आते हैं, वो एक रिजर्व सीट की प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के चलते, तुष्टिकरण के चलते अपने खुद के विधायक को छोड़ दिया है, पीछे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बहुत ही कम समय में एकदम ऐसा लग रहा है कि संगठित तरीके से ये जो कल हिंसा हुई है वो सामने आई है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इसके पीछे PFI और उसका पॉलिटिकल आर्म SDPI है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी और SDPI का तो सांठगांठ भी है, वो राजनीति भी साथ में मिलकर करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे कौन संगठन है। PFI के लोग दिल्ली के दंगों के पीछे भी थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जहां जहां भी ये दंगे हुए हर जगह PFI का हाथ पाया गया। कांग्रेस के राज्यसभा MP डॉक्टर नासिर हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से BJP अब आरोप लगा रही है कि आप तो अपने MLA के साथ भी नहीं खड़े हैं, इस परिस्थिति में उसको अकेले छोड़ दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है राजनीति करना शुरू कर देती है। सरकार BJP की वहाँ पर है, पुलिस सरकार की वहाँ पर है। जैसा अभी तक सूत्रों के मुताबिक पता चला है, कुछ लड़के एक पोस्ट जो फेसबुक पे था उससे नाराज होके FIR फाइल करने के लिए गए थे, वहाँ पर कंप्लेंट फाइल करने के लिए गए थे। पुलिस मना कर दी, कंप्लेंट फाइल नहीं की। बहुत सारा परसिस्ट करने के बाद भी जो है पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। फिर वो लड़के लोग अपना मोबिलाइजेशन किए, उसमें 3-4-5 घंटे वो लग गए, उसके बाद लोग आए, जो हुआ लोगों को पता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सरकार से, जहाँ पर घटना हुई वहाँ से मुख्यमंत्री का घर सिर्फ 10 या 12 मिनट के फासले पे है, विधानसभा 10 मिनट के फासले पे है, 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस में मुझे खलता है 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हैं। पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी।
और कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी बीजेपी की ओर से हो रहे हमलों पर पलटवार किया। उन्होंने भड़काऊ पोस्ट के आरोपी को बीजेपी समर्थक बता दिया, जिसके लिए उन्होंने आरोपी की एक पुरानी फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया। This is all the BJP's conspiracy and the hidden agenda. Nothing to do with it. Instead of accept the chief minister's statement, all of the BJP leaders are instigating everyone, provoking everyone. तो 11 अगस्त इसी महीने की ये तस्वीरें हैं, जब किस तरह से कांग्रेस विधायक के घर पहुंचकर उनके घर में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई है, बल्कि उस दौरान आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। न्यूज 18 के पास बेंगलुरु में बढ़ती हिंसा की पूरी सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक दिन पहले रात 8:30 बजे के करीब कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर हिंसक भीड़ जमा हुई। रात 9 बजे के करीब ये भीड़ कांग्रेस विधायक के घर के अंदर दाखिल हो गई और रात 9:30 बजे तक भीड़ ने विधायक के घर पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, और इसके बाद रात करीब 10 बजे भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोला। हो गया कि आज हम लोग हर तरह से बर्बाद हो गए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे? घर में पानी घुस गई बाइका समझे खाए के दिक्कत होता। तो मौसम की मार है और जनता लाचार है। देश भर में लगातार मौसम की मार का असर दिख रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर से लेकर गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में आए लोग बेघर हो रहे हैं और आए दिन मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहले से ही कोरोना की मार झेल रही दुनिया पर अब प्रकृति का प्रकोप दिख रहा है, लेकिन जनता के पास मौसम की इस मार को झेलने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको उत्तराखंड में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में नदियां लगातार उफान पर हैं और इससे पहाड़ी इलाकों के रास्ते ठप हैं। वहीं पहाड़ों पर बनी बस्तियों की भी हालत खस्ता हाल है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पहाड़ और जमीन खिसकने का खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे ही एक रास्ते पर पेड़ गिरने के बाद एक बाइक सवार फंस गया, जिसके बाद लोगों की मदद से उसने अपनी बाइक को किसी तरह पहाड़ पर चढ़ाकर गिरे हुए पेड़ के दूसरी तरफ पहुंचाया। इस जगह पर भी नुकसान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पुल टूटकर नाले में गिर गए हैं, कहीं कार पानी में डूबी है। इसके अलावा इलाके का एक और बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया है। इतना ही नहीं, एक घर में तो इतना पानी भरा है कि घर का सारा सामान पानी में तैरता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग और बारिश होने का अनुमान जता रहा है, जिससे खतरा और ज्यादा है तबाही का। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तस्वीरें, जो उफान पर है, जिससे नदी का पानी सड़क पर आ चुका है और दर्जनों सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बंद सड़कों से मलबे का ढेर हटाने के लिए खुदाई की मशीन भिजवाई है, साथ ही कई मकानों को भी भारी बारिश से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार यानी 13 और 14 अगस्त को यहां मौसम विभाग ने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उफान पर नदी और किस तरह से लोगों के लिए रास्ते मुश्किल भरे हो गए हैं। पुल टूट गया है,
सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ठप सा हो गया है, क्योंकि इस सैलाब ने अपने साथ या तो सबको बहाकर ले जाने की ठान ली है या फिर जो सड़क रास्ते हैं उन्हें तबाह करने की ठान ली है। और आलम अब यह है कि लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले 2-3 दिन और ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा में पानी के खतरे के निशान के ऊपर चला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर उफान पर बह रही गंगा नदी की वजह से आसपास गंगा घाट पूरी तरह पानी में डूबा है। पानी इतना बढ़ गया है कि यहाँ की मशहूर शिव मूर्ति भी जो आप देख रहे थे उसमें समाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए शिव मूर्ति जिस पर स्थापित की गई है, वो जो मुंडेर है, चबूतरा है, वो अब पानी की जद में है। मैदानी इलाकों पर भी गंगा के बढ़ते जल स्तर का असर पड़ने लगा है। गंगा में बढ़ता जल स्तर इस समय खतरे की घंटी के पार हो चुका है और इसका सीधा असर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पड़ने जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं परमार्थ निकेतन के घाट पर, जहां शिव मूर्ति का प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा ऊपर है गंगा के जल स्तर से, वो भी पूरी तरह से डूब चुका है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस शिव मूर्ति की जो पहचान है गंगा नदी के बीचों बीच, ये तस्वीर एक अलग ही नज़ारा पेश करती है। लेकिन इस दौरान सैलाब इतना ज़्यादा है, इन दो तस्वीरों से आप समझिए गंगा नदी और सरयू नदी लोगों की मुसीबतें बढ़ाने के लिए अब जानी जा रही हैं। ये अपनी कलकल धारा के लिए नहीं बल्कि अब लोगों की मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां बढ़ाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की नदियां उफान पर हैं और इस उफान का असर साफ साफ नज़र आ रहा है। वैसे मौसम की मार इंसान ही नहीं जानवर भी झेल रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोला नदी के तेज बहाव में गाय फंस गई, जिसे पुलिस के जवानों ने बचा लिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एक पहले गाय को रस्सी से बांधा, जिसके बाद दूसरे छोर पर खड़े बाकी पुलिस कर्मियों ने उसे पूरी मशक्कत के साथ किनारे की तरफ खींचना शुरू किया। गाय का वजन और पानी के तेज बहाव की वजह से गाय को बचाने का काम आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के जवानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आखिरकार गाय को बचा लिया गया। तो यह आसान काम नहीं था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। नदी के तेज बहाव में गाय फंस गई थी और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में भी बारिश ने काफी मुसीबतें बढ़ाई हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक पुलिस स्टेशन और परिसर में काफी ज्यादा पानी भरा है। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियां और बाइक सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी रिकॉर्ड रूम में पानी भर गया है। तो और इधर गुजरात के पंचमहल में भारी बारिश के बाद नदी का पानी सड़क पर आ गया है और घुटने तक भरे पानी में एक शख्स शराब पीता कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कुछ ही देर में इसी रास्ते पर दो और लोग पहुंच गए, जो अचानक पानी के बहाव में नियंत्रण खो बैठे और तेजी से पानी के साथ ही बहने लगे। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को बचा लिया। गुजरात में पानी में बहते दिखे लोगों को किस तरह से समय रहते बचा लिया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। गुजरात के पंचमहल की तस्वीरें हैं। आसपास के लोग मौजूद थे जब ये घटना हुई, उस दौरान आनन फानन में इन लोगों को बचा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, इनकी जान भी जा सकती थी। कर्नाटक के कोडागु में जमीन खिसकने से हादसा हुआ है। यहाँ लगातार बारिश के बीच सड़क किनारे का एक हिस्सा जमीन से अलग होकर नीचे बह रहे नाले में धंसने लगा। देखते ही देखते जमीन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नाले में बह गया। गनीमत रही कि यह सड़क के किनारे हुआ, क्योंकि अगर बीच सड़क पर होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई और अगर इसी तरह होता रहा तो पूरी सड़क भी हादसे की चपेट में आ सकती है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो ऐसा लगता है अमूमन आपने आसमान में बादल को इस तरह से हिलते हुए देखा होगा, लेकिन जमीन अगर इस तरह से दरकती हुई नजर आ रही है, सोचिए उनके उन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो इन रास्तों से अमूमन जाते रहे होंगे और उन्होंने खुद अपनी नजरों से इन तस्वीरों को देखा होगा। ऐसा लग रहा है कि किसी हाथ से जैसे रेत फिसलती है वैसा ही कुछ नजारा इस वक्त यहाँ है। और ये सड़क का हिस्सा है, जो किनारे का हिस्सा है वो पानी की जद में इस तरह से आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी इस बात की है कि अगर ये स्थिति बनी है तो आगे फिर सड़क का और हिस्सा भी दरक सकता है। बेहद खतरनाक तस्वीरें ये कर्नाटक के कोडागु से।
बिहार के छपरा में बाढ़ की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया है। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से जरूर भर दिया है। हादसे का एक वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ के पानी में मकान चंद सेकंड में ही धराशायी हो गया। इस घटना के बाद वहां धूल का गुबार छा गया, जिसके बाद वहां हर तरफ मकान का मलबा पड़ा नजर आया। इस हादसे की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई जिसमें मकान के पास से बाढ़ का पानी तेजी से बहता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मकान एक तरफ झुकने लगा और फिर अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में समा गया। मकान के मालिक का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से प्रशासन से अपने घर को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसका मकान जमींदोज हो गया। जो मकान बाढ़ की भेंट चढ़ा, उसके ठीक बगल में एक दूसरा मकान भी दिखाई दिया और बाढ़ के पानी की वजह से उस पर भी गिरने का खतरा मंडराता नजर आया। तो बिहार के छपरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता दिख रहा है और थोड़ी ही देर बाद मकान एक तरफ झुकने लगा। ये तस्वीरें देखिए और फिर अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में समा गया। मकान के मालिक का ये कहना है कि उसने कई बार प्रशासन से अपने घर को बचाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उनकी बात ही नहीं सुनी और ये तो फिर होना ही था, उनका मकान जमींदोज हो गया। जो मकान बाढ़ की भेंट चढ़ा, उसके ठीक बगल में एक दूसरा मकान भी दिखाई दिया और बाढ़ के पानी की वजह से उस पर भी अब इसी तरह गिरने का खतरा मंडरा रहा है। छपरा से जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां छपरा के एक इलाके में सड़क किनारे देखते ही देखते एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया, जिससे पेड़ के बगल में बने घर को भी खासा नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, इस पेड़ के गिरने से इलाके की बिजली भी गुल हो गई। तो जड़ से ही उखड़ जा रहे हैं ये पेड़ और इस तरह से नीचे की जो जमीन है, मिट्टी है, वो पूरी तरह से दरक जा रही है। ये बिहार के छपरा की तस्वीरें हैं जहां मौसम की मार इस तरह से पड़ रही है कि नींव की नींव कमजोर हो जा रही है। दो तस्वीरें छपरा में एक मकान के गिरने की, जो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में जमींदोज हो गया, और दूसरी तस्वीर पेड़ के उखड़ने की। और इस पेड़ के उखड़ने की जो तस्वीरें सामने आई है तो और भी ज़्यादा डराने वाली है, क्योंकि देखिए ये पेड़ जैसे गिरा है, कुछ हिस्सा तो इसका किसी घर पर गिरा होगा, कोई गाड़ी वहां पर खड़ी होगी उस पर गिरा होगा, और किस तरह से जमीन की जमीन ही उखड़ जा रही है इस नींव के साथ। तो हालात कितने बुरे हैं इस वक्त छपरा में, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी मानसून की बारिश मुसीबत बनकर आई है। मध्य प्रदेश के सागर में कुछ देर की बारिश के बाद सड़कें लबालब भरी नजर आई। आम रास्ते पर जबरदस्त जल भराव से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कामकाज के लिए निकले लोगों को तेजी से बढ़ते पानी के बीच चलना पड़ा। आम लोग घुटनों तक भरे पानी में सड़क पर चलने को मजबूर दिखे। तो मध्य प्रदेश के सागर में बारिश के बाद लोग कैसे पानी पानी हो गए हैं, उन्हें आप देखिए और समझिए। मानसून की बारिश मुसीबत बनी हुई है इन लोगों के लिए। मध्य प्रदेश के सागर में कुछ ही देर की बारिश हुई है और सड़कें देखिए लबालब हैं। आम रास्ते पर जबरदस्त जल भराव है, लोगों की दिक्कतें इससे बढ़नी लाजमी है। कामकाज के लिए निकले लोगों को तेजी से बढ़ते पानी के बीच ही इस तरह से चलना पड़ रहा है। आम लोग घुटनों तक भरे पानी में सड़क पर चलते जा रहे हैं और इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन इनका बचाव करेगा, कुछ नहीं पता। बिहार के दरभंगा की अगली तस्वीर बाढ़ ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। यहां दूर दूर तक कच्चे पक्के मकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आम रास्ते पानी से ऐसे ढके हैं जैसे सड़कें नजर ही नहीं आ रही हैं। चारों तरफ पानी भरने से पूरा का पूरा गांव नदी में तब्दील हो गया है। ऐसे में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने के लिए बिहार में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हो चुकी है। बाढ़ से गिरे होने की वजह से वहां के कई गांवों के लोग जरूरत पड़ने पर अस्पताल नहीं जा सकते और इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बोट एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की है, जिससे जूझ रहे लोग इस तरह से उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें, जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके, छोटी मोटी बीमारी होने पर किसी भी मरीज का घर बैठे ही इलाज हो सके। इसके लिए ये बोट एम्बुलेंस दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेस है। तो ये एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। बिहार में दरभंगा की तस्वीरें जहां पर बोट एम्बुलेंस की सुविधा
मुहैया करवाने की कोशिशें हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जल जमाव के बीच कहीं नहीं आ सकते हैं। कई बार कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे में लोग समझ नहीं पाते कि इसका इलाज किस तरह से इन हालात में करवाएं। ऐसे में बोट एम्बुलेंस उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। इस बोट एम्बुलेंस में वो तमाम सुविधाएं रखने की कोशिश की है जो कुछ अगर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती हैं तो बड़ी मदद साबित हो सके। और भारत ही नहीं, दुनिया भर में कई देश मौसम की मार झेल रहे हैं। चीन के सिचुआन प्रांत से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां की एक सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा, अचानक टूट कर ये हिस्सा गिर पड़ा और जिस वक्त यह हादसा हुआ सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थी। पहाड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहां इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तभी पहाड़ से कुछ छोटे पत्थर सड़क पर आकर गिर गए जिससे एक तरफ की गाड़ियां रुक गईं, लेकिन इससे पहले कि कुछ कोई समझ पाता पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 3 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है जबकि मलबा गिरने से 3 लोग घायल हुए हैं। बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से सड़क की पूरी जो हालत है वो खराब हो गई है और इस सड़क को बंद करना पड़ा है। बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं। आप अपने रास्ते पर पहाड़ी इलाके से जा रहे हैं, अचानक से एक बड़ा हिस्सा बीचों बीच आ जाए और ऐसे में ये तस्वीरें चीन के सिचुआन प्रांत के उसी घटनाक्रम की है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। पहले छोटे छोटे पत्थर आए, फिर बड़े से पत्थर आ गए, लेकिन इन पत्थरों के बीच कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कुछ लोग घायल हुए। और इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में केजरीवाल ने पूजा अर्चना की है। पूजा करने के बाद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने सभी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की है। कोरोना की वजह से मंदिर में कम लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे तो बहुत कम लोग जरूर थे लेकिन ठीक ठाक लोग उनके साथ मौजूद थे। वो आरती करते हुए कान्हा की नजर आए। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं जहाँ केजरीवाल पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। पूजा करने के बाद केजरीवाल ने जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या कामना की तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सबके स्वस्थ रहने की भगवान से प्रार्थना किया है। कोरोना की वजह से मंदिर में कम लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं तो जो भव्य उत्सव जन्माष्टमी का अमूमन रहता था वैसा भव्य तो नहीं, लेकिन लोगों की भीड़ काफी कम तादाद में जरूर दिखी।